शहर के विभागीय क्रीड़ा स्कूल मैदान पर नागपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन नागपुर की ओर से वार्षिक जिला क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर 500 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन नागपुर की ओर से वार्षिक जिला क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन क्रीड़ा संकुल मानकापुर में लिया गया। इस चैंपियनशिप में नागपुर जिला नागपुर ग्रामीण आदि परिसर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुणे में होने वाले 31 जनवरी की स्टेट चैंपियनशिप में नागपुर डिस्ट्रिक्ट की टीम हिस्सा लेगी। क्रीड़ा संकुल से शुरू हुई क्रॉस कंट्री स्पर्धा में 6 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राजक्ता गोड़बोले, निकिता राउत इन्होंने बाजी मारी, जिनका सत्कार किया गया। नागपुर में आयोजित इस क्रॉस कंट्री स्पर्धा की सभी शहरवासी सराहना कर रहे हैं। इस क्रॉस कंट्री स्पर्धा के बारे में आयोजकों ने जानकारी दी। कहते हैं कि नागपुर ये खिलाड़ियों की खान है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तमाम यहाँ पे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। इस समय में इनबीसीएन की टीम जो है क्रीड़ा संकुल में मौजूद है, जहाँ पे बड़े पैमाने पे एसोसिएशन की ओर से यहाँ क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया। सभी कैटेगरी में यहाँ पे जो स्पर्धक है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में नगराली जी है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि किस प्रकार का ये आयोजन है? ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का आयोजन है। यहाँ से सब जूनियर से लेके ओपन तक पूरा यानी 20 तक 18, 16, 18, 14 और 20 तक सब लोगों का यहाँ पे यानी आयोजन किया गया है और रेस शुरू है। बिल्कुल, तो आप थे नगराल साहब जिन्होंने बखूबर बेबक के साथ बात करते हुए ये जानकारी दी। अब हम आपको ऐसे खिलाड़ी से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो देश का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे दो प्रतिभावान, एक है निकिता और आप है गोड़बोले। आप बताइए क्या कहना चाहोगी, कैसी रही ये स्पर्धा? स्पर्धा तो बहुत अच्छी रही है और सबसे ज़्यादा निकिता और मेरे में कंपटीशन थी। सबको लग रहा था कि फर्स्ट निकिता करेंगी या प्राजक्ता करेंगी, और कंपटीशन तो बहुत फाइट थी, दोनों में फाइट थी। निकिता, आप क्या कहना चाहोगी, जिस तरह से आपने जो मेहनत किया है क्या कहोगी? क्रॉस कंट्री के लिए लगातार मेहनत कर रही हूँ 3 साल से। अभी थर्ड टाइम मैं फर्स्ट आई हूँ, इससे बहुत खुशी है। बिल्कुल, खुशी होना लाजमी है, क्योंकि मैंने जो बच्चे लोग हैं, खिलाड़ी जो कर रहे हैं। इस समय में शरद सूर्यवंशी है, आइए डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह का ये आयोजन होता है, आप भी एक खिलाड़ी हो, कैसा महसूस कर रहे हो आज? बड़ा अच्छा लग रहा है इन सब छोटे बच्चों को देखकर। कुछ तो पेरेंट्स यहाँ पर है कि उनको टाइम पे एंट्री नहीं मिली इसलिए रुके हुए हैं, और हमने 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए दौड़ आयोजित की है। 6 साल से 60 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर कुछ लोग तो है जो 4 साल के भी बच्चे लेकर यहाँ पर आए, हालांकि उनको एंट्री नहीं मिल पाई। बड़ा अच्छा उत्साह है, पर हमारे साथ निकिता राउत और प्राजक्ता गोड़बोले, ये दो जन है हमारे साथ में, ये इंटरनेशनल एथलीट है, और इनको देखने के लिए, इनकी रेस देखने के लिए काफ़ी यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी। और आशा करते कि ये दोनों लड़कियाँ, निकिता राउत, प्राजक्ता गोड़बोले, हमारे देश के लिए जिस प्रकार से रोहिणी राउत और मोनिका राउत ने क्रॉस कंट्री में मेडल लाके दिया था एशियन चैंपियनशिप में, उसी प्रकार का वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल ये दोनों लड़कियां लाकर देंगी। बिल्कुल, हमेशा फिल्म स्टार कोई कलाकार कहा जाता है, हर कोई देखने के लिए आता है, मगर ये हमारे शहर की दो ऐसी कलाकारा है यानी स्टार है कि जो देश के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और देश का परचम लहराएगी और देश का नाम ऊंचा करने के लिए ये दोनों हमारे जानदार शानदार खिलाड़ी मौजूद है। इस समय में विजय जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। विजय जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या आप भी एक खिलाड़ी रह चुके हो? नहीं, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन अगर स्पोर्ट में आगे आता है तो अपने अपने राष्ट्र का नाम संपूर्ण विश्व में ऊँचा कर सकता है, और यहाँ तो नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, उनकी प्रतिभाएं हमें दिख रही है। तो मैं खास करके डॉक्टर शरद सूर्यवंशी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और इतनी बच्चे उनमें इतनी एनर्जी, अभी निकिता है, गोड़बोले है, ये सारे बच्चे इतने शिद्दत से काम करते, सही में सैल्यूट करता हूँ, और राष्ट्र निर्मिति के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। जिला एथलेटिक असोसिएशन जेवा सूर्यवंशी सरांकडे आलो, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की नगराळे सर, नायडू सर, अनिल भोरे सर, रवि टोंग सर, आणि याच्यामुळे कसं झालं, एक एथलेटिकमध्ये उत्साह वाढला, जो उत्साह पाहिजे होता तो उत्साहामध्ये दम भरला, आणि एक नागपूर डिस्ट्रिक्ट ॲथलेटिक असोसिएशन एक चांगला फॉर्म झाला, त्याच्यामुळे सर्व खेळाडूंना एक चांगली एक जोश मिळून राहिला, आणि चांगले खेळाडू नागपूरमधून भारतात येईल काही दिवसांनी।
लक्षात ठेवा, बस एवढंच मला बोलायचं होतं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछाले यारो। जिसे कुछ कामकाज करना होता है उन्हें रोशनी या प्रकाश दिखाई देता है, मगर जिन्हें कुछ कामकाज नहीं करना होता है उन्हें अंधेरा दिखाई देता है। मगर नागपुर शहर के ये खिलाड़ी इतने होनहार है कि कड़ी मेहनत करते हुए नागपुर शहर के हर स्पर्धा में वे भाग लेते हैं और देश के जब क्रॉस कंट्री बड़े पैमाने पर देश विदेश का जब होता है उसमें भी यही खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार। नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन ये काफी अच्छा कामकाज कर रही है जिसके चलते नागपुर में खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, बशर्ते सरकार ने इस ओर ध्यान देना होगा और उन्हें जो जो सुविधा होना वो देना होगा, यही सरकार का काम है। और खिलाड़ी तैयार होते रहेंगे और देश का नाम रोशन होते रहेगा। नागपुर के क्रीड़ा संकुल से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।